एसबीएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सेल्फी ले रहे दो भाई तथा एक महिला की मौत, एसबीआई में वरिष्ठ नागरिक से मनमानी। मंगलवारी बाजार में फिर बढ़ी गंदगी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान दो अलग अलग दुर्घटनाओं में तीन लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पहली घटना नागपुर की है, वहीं दूसरी घटना पुणे की बताई जा रही है। नागपुर में सेल्फी लेने के चक्कर में दो भाई बरसात के पानी से लबालब हुए गोसखुर्द डैम में डूब गए। वहीं दूसरी घटना पुणे के पानशेत डैम में हुई है। सड़क पर तेज रफ्तार से जा रही एक एसयूवी का अचानक टायर फट गया और उसमें सवार तीन लोग कार के साथ पानी में बह गए। हालांकि कुछ घंटे के प्रयास के बाद पिता और पुत्र को तो बचा लिया गया, लेकिन मां की डूबने से मौत हो गई। दोनों घटनाएं 15 अगस्त की शाम को हुई। दूसरी खबर, स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से वरिष्ठ नागरिकों के साथ मनमानी किए जाने की एक घटना सामने आई है। 13 अगस्त को सिविल लाइन निवासी 74 वर्षीय नागरिक गोपाल अवस्थी जबलपुर निवासी 15,000 रुपए भेजने के लिए बैंक गए थे, जहां उन्हें किसी तरह का समुचित प्रतिसाद न मिलने से देर रात परेशानी का शिकार होना पड़ा। इन रुपयों को भेजने से इनकार किया गया। केस डिपार्टमेंट में राउत नामक कर्मी ने उन्हें बताया कि मनी ट्रांसफर नहीं होता है, एटीएम मशीन में डालो या ग्राहक सेवा केंद्र में जाओ, वहां 150 रुपए लगते हैं। सीनियर सिटीजन 74 वर्षीय की उम्र वाले अवस्थी से मैनेजर के आदेश के बावजूद राउत ने नगद लेने से इनकार कर दिया। तीसरी खबर, कोविड नियंत्रण को लेकर लगी पाबंदियों में शिथिलता के बाद अब सदर के मंगलवारी बाजार में कूड़ा करकट बढ़ने लगा है। यहां पर्याप्त साफ सफाई नहीं की जा रही है। शाम को सड़ी गली सब्जियों के ढेर जहां तहां लगे रहते हैं। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।